सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां एक मासूम पर चाकुओं से वार होते रहे और लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहे। बता दें कि रविवार रात दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक दरिंदे ने नाबालिग पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने 16 वर्षीय किशोरी पर चाकू से करीब 16 बार वार किया था, जिसके बाद वह संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी और इस वारदात को वहां मौजूद लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को सोमवार को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी के शरीर पर चाकू के 16 घाव मिले हैं और खोपड़ी पर टूटी पाई गई है। ऐसे में देश की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ साहिल ही साक्षी का हत्यारा है, या वो लोग जो मौत का तमाशा देखते रहे, या वो पुलिस जो वक्त पर काम ना आई। बता दें दिल्ली में ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी साहिल द्वारा इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। 16 साल की मासूम को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी के शरीर पर 16 निशान मिले हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें दिल्ली में ये दिल दहला देने वाला मामला हुआ है, जहां 16 साल की मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें किशोरी की सनकी ने हत्या की है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसको पुलिस दिल्ली लेकर गई है और आगे की पूछताछ की जाएगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ सागर हमसे जुड़ चुके हैं। सागर, साक्षी मर्डर केस में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए मयूर, कुल मिला के आपको बता दूं कि ये देश की राजधानी दिल्ली का पूरा मामला है, शाहबाद डेयरी एक इलाका है, वहाँ का पूरा मामला है। और कुल मिला के देखा जाए तो बहुत विभत्स घटना है, बहुत नरसंस तरीके से इसने हत्या की है। जो साहिल है वो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसने तकरीबन रात की बात है 16 वार किए थे चाकुओं से, वो भी बुरी तरह से। किस तरह से आप CCTV में देख सकते हैं कि किस तरह से इसने वार किए। एक सनकी तौर पे, एक साइको किलर के तौर पे इसने अपना रूप दिखाया। और साहिल की उम्र ज़्यादा नहीं, 20 साल की बताई जा रही है। कुल मिला के देखा ये जाए कि साक्षी को इसने मारा और बहुत बुरी तरह मारा। उसके बाद इसको तसल्ली नहीं हुई, इसने पत्थर उठाकर, भारी पत्थर उठाकर तकरीबन 6 बार उसके साक्षी के मुंह पर वार किया और लगातार ये चाकुओं के साथ मारता रहा और लात भी मारता रहा। कुल मिला के कहीं ना कहीं एक सनक होगी इसके दिमाग में, एक सनक ऐसी होगी कि इसने सोचा होगा कि साक्षी को केवल मारा जाए और मारा जाए, और इस तरह बुरी तरह मारा है इसने कि शायद। और कुल मिला के ये देखा जाए, स्वाति मालीवाल हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा कि उससे नृशंस घटना, इससे विभत्स घटना आज तक उन्होंने ना सुनी ना देखी। वहीं अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका एक ट्वीट आता है कि कहाँ है दिल्ली की पुलिस, क्योंकि दिल्ली की पुलिस की बात की जाए तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है और लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनके अंडर में आती है। तो कुल मिला के सुरक्षा व्यवस्था पर भी केंद्र सरकार को घेरा है अरविंद केजरीवाल ने। और बात करें कुल मिला के दिल्ली जो की है पूरी तरह से मौन रही। कई तमाशबीन वहाँ से गुजरते रहे लेकिन किसी ने ये ज़रूरत नहीं उठाई कि उस बेटी को बचाया जा सके। अगर कोई भी अगर ज़रूरत करता तो शायद साक्षी की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकलते दिखे। किस तरह से वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं कि मौन रहे लोग, क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएँ ऐसी दिल्ली में हो चुकी हैं। और आपने सुना होगा 2012 में कांड हुआ था, निर्भया कांड, उसके बाद उस आरोपियों को कई साल के बाद फांसी की सजा तो हुई, लेकिन उसके बाद, लेकिन हाँ उसकी माँ संतुष्ट थी, लेकिन ऐसी नृशंस हत्या शायद मैंने भी आज तक नहीं सुनी, ना ही आपने सुनी होगी, ना ही दिल्ली के किसी व्यक्ति ने या देश के किसी व्यक्ति ने सुनी होगी कि इस तरह से सनक के तौर पर उसने उसकी हत्या की। जी सागर, जानकारी के मुताबिक साहिल की गिरफ्तारी हो गई है और उसको दिल्ली लेकर गई है पुलिस, तो आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी?
जी मयूरी, हमेशा से जाहिर सी बात है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, गिरफ्तारी हुई है, एक रेपिस्ट है, एक दुर्दांत अपराधी इसको मान के चलते हैं। हालांकि इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन हाँ, अब मैं अपनी नज़र में कहूँगा तो ये अपराधी है, दुर्दांत अपराधी, वो भी छोटा मोटा अपराधी नहीं, दुर्दांत, और इसने दुर्दांत तरीके से उस लड़की को मारा, उस मासूम 16 वर्षीय लड़की का कत्ल किया है। तो कहना कि दिल्ली पुलिस ने उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया, अब क्या होगा, दिल्ली पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद रिमांड की अर्जी दाखिल करेगी, रिमांड मिलेगी, उसके बाद सजा होगी, सजा ये कब होगी ना जाने, इसका फैसला कब आएगा। लेकिन हाँ, वो अपराधी जेल में होगा और उसे एक विशिष्ट तरीके से रखा जाएगा, क्योंकि दुर्दांत तरीके अपराधी और ऐसे अपराधियों को तिहाड़ जेल में एक अलग बैरिक में रखा जाता है, क्योंकि इनकी जो मानसिक संतुलन है, मानसिकता है, वो बिल्कुल पूरी तरह से निचले स्तर की, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं वीडियो देखकर, जाहिर सी बात है कोई भी इस वीडियो देख के बोलेगा कि ये व्यक्ति जो है एक आम व्यक्ति नहीं है, एक लड़का है, 20 साल का लड़का साहिल, वो आम लड़का नहीं है, ना कि वो पूरी तरह से मानसिक जो उसका संतुलन है उसने पूरी तरह से खो दिया है। पुलिस इसे कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट में रिमांड अर्जी दाखिल करेगी, फिर तारीखों का दौर चलता रहेगा, तारीख पे तारीख जैसा होता रहा है हमेशा। जी सागर, इस मामले में किस किस से पूछताछ हो सकती है, क्या साहिल और साक्षी के दोस्तों से भी पूछताछ हो सकती है कि कुछ पता चल सके? जी जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि साहिल की जो दोस्ती थी वो साक्षी से थी और काफ़ी दिनों से थी, तो पुलिस का भी यह बयान सामने आया था कि इन दोनों के बीच दोस्ती थी, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। और दूसरी बात यह कि जब जाहिर सी बात है जानते थे तो इनके कुछ दोस्त भी होंगे, इनसे दोस्त की भी काउंसलिंग की जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो साहिल ने इस तरह से, इस निर्मम तरीके से इस मासूम लड़की की हत्या करी, और इसके दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी। और मुझे लगता है कि जो साक्षी है, जिसके मृत हो गए, जो मृतका है, उसके दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जो इस साहिल को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, इस निर्मम तरीके से इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने हत्या करी, इस दुर्दांत अपराधी साबित हो रहा है फिलहाल। हालांकि कोर्ट ने ऐसा सजा का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए किसी भी तौर पे इसकी मानसिकता ठीक नहीं लग रही है, और इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, तो क्यों लिया है। कुल मिला के पुलिस जो है हर चीज़ को, हर पहलू को खंगालने में लगेगी, हर पहलू को खंगालने की कोशिश करेगी और जानेगी कि क्या मानसिकता रही थी साहिल की, और क्या वजह थी कि साहिल ने साक्षी पर वार किया और साक्षी को मारा, वो भी इस बुरी तरह, क्योंकि साक्षी मासूम थी, 16 वर्षीय साक्षी थी, ये अपने बर्थडे पार्टी से लौट रही थी, अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से, वहाँ पर साहिल अचानक इसे मिल जाता है, उसके बाद बिना कुछ बात किए ही साहिल जो है चाकुओं का वार करना शुरू कर देता है, और तकरीबन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 16 चाकुओं के वार किए हैं इसने, पेट से लेकर कंधे से लेकर सर तक में वार किया है, उसके बाद ईंट से कुचला भी है। तो पुलिस इसके साथियों से पूछताछ तो नहीं करेगी, क्योंकि देखिए कुछ बालिग भी हो सकते हैं, कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं। शुरुआती दौर में काउंसलिंग की जाएगी, साक्षी के दोस्तों से पूछताछ की जाएगी एक नॉर्मल तरीके से, और साहिल के दोस्तों से भी एक नॉर्मल तरीके से पूछताछ की जाएगी, आखिर क्या वजह रही जो इसने इतना बड़ा स्टेप उठाया और इस तरह से निर्मम हत्या की। जी सागर, जानकारी के मुताबिक साहिल और साक्षी रिलेशन में थे, तो क्या इसकी बात इन दोनों के परिजनों को पता थी, उनका क्या कुछ रिएक्शन है, क्या उनका कुछ बयान सामने आया है? जी देखिए, रिलेशन की बात है तो देखिए एक मामूली तौर पे दोनों केवल दोस्त थे, हालांकि रिलेशन की इस बात पे किसी ने पुष्टि नहीं की, ना ही पुलिस ने की, ना ही इसके परिजनों ने की। तो रिलेशन में थे, केवल एक जो नॉर्मल रिलेशन होता है दोस्तों का, वो एक रिलेशन था। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साहिल का लगाव होगा साक्षी के प्रति, और साक्षी जो है शायद इसे मना कर रही होगी, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है, कोई और कारण हो सकते हैं साहिल ने इसकी हत्या करी शायद। लेकिन हाँ, अगर रिलेशन की बात करी जाए तो फिलहाल परिजनों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ना ही पुलिस ने इसकी पुष्टि की है, ना ही इसके दोस्तों की तरफ से कोई पुष्टि हुई है कि इन दोनों के बीच एक रिलेशन था। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनके बीच एक दोस्ती थी, और बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी, और साहिल को ये नागवार गुजरा कि शायद कुछ भी हो सकता है, इसके पीछे हत्या के पीछे कोई भी कारण हो सकता है। फिलहाल जब पुलिस इसे रिमांड मिलेगी, जब पुलिस अपना रिमांड अर्जी दाखिल करेगी, उसके बाद उसके दोस्तों से पूछताछ करेगी, उसके बाद गहनता से सच सामने आएगा कि क्या वजह रही थी जो साहिल ने साक्षी को इस तरह से निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा। जी सागर, अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या सिर्फ साहिल साक्षी का हत्यारा है या वो लोग जो मौत का तमाशा देखते रहे?
जी मयूरी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं साहिल तो अपने मकसद में कामयाब हो गया, जो उस मकसद से आया था, क्योंकि वो आया था तो उसके हाथ में चाकू था। ऐसा भी नहीं कि उसे हाथ में रास्ते में कोई चाकू मिला, वो चाकू लेकर ही आया था। उसका एक मकसद था, उसने एक दिमाग में माइंड सेटअप किया था कि वो साक्षी को मारेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के लोग जब तमाशबीन बनते हैं तो बहुत शर्मसार घटना है, क्योंकि आसपास के लोग वहाँ से गुजर रहे थे। किसी एक ने भी, जैसा मैंने पहले कहा था, किसी एक व्यक्ति ने भी अगर उस साहिल को रोका होता या साहिल को वार करने से रोका होता तो शायद आज ये पल ना देखने पड़ते साक्षी के परिवार वालों को, शायद ये ऐसी निर्मम हत्या ना होती। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, दिल्ली के जो लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जो आसपास के जो गुजर रहे थे सुनसान गली से, हालांकि इतनी भी सुनसान नहीं थी, इतना भी समय नहीं हुआ था कि वहाँ पर कोई ना हो, लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं वीडियो में कि वहाँ से लोग गुजर रहे हैं और अपने आप को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। ना ही कि वो जो निर्मम हत्या कर रहा है, जो सनकी बैठा हुआ, जो सनकी तौर पे जिसने निर्मम हत्या करी, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि लोग अपने आप को बचाते देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए साहिल तो ज़िम्मेदार है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें जाए तो जो लोग हैं वहाँ से, वो भी लोग ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि अगर शायद एक कोशिश की जाती तो आज इतनी बड़ी घटना ना होती देश की राजधानी दिल्ली में। जी सागर, जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने साक्षी को मरते हुए देखा, तमाशबीन बने रहे, क्या उनका कुछ बयान सामने आया है, कुछ रिएक्शन? जी मयूरी, जाहिर सी बात है वो उनका बयान सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी भी तौर पर सामने नहीं आ सकते, क्योंकि वो लोग खुद अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने एक लड़की की जान नहीं बचाई, और उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि किसी भी चैनल या किसी भी पेपर में या किसी भी जगह पे सोशल मीडिया में उन लोगों का बयान आया। वो खुद अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहे होंगे, वो अपने आप को खुद सोच रहे होंगे, कोस रहे होंगे कि शायद अगर वो बचा लेते तो ये घटना ना घटती। जी सागर, साक्षी के परिजनों का क्या कुछ कहना है, इसकी क्या कोई जानकारी है? अजी मयूरी, जाहिर सी बात है, देखिए इतना बड़ा कांड हुआ है, जाहिर सी बात है जो साक्षी है, 16 वर्षीय साक्षी थी, उसके जाहिर परिवार वाले शोक में होंगे, और शोक में होंगे, इस तरह से शोक में होंगे, और इस तरह से बेटी की निर्मम हत्या पर किसी भी परिवार वालों का कहना अभी शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्द परिवार की तरफ से भी कोई बयान जारी होगा, परिवार भी अपनी प्रतिक्रिया रखेगा, परिवार की तरफ से भी कोई ना कोई बातें सामने आएंगी कि क्या वजह रही, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अगर ऐसी बात है तो परिवार को शायद थोड़ी बहुत भनक भी होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच दोस्ती थी। लेकिन इस वक्त शायद शोकाकुल में पूरा परिवार है, तो अभी तक किसी भी परिवार का, किसी भी व्यक्ति का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी वर्जन नहीं आया, क्योंकि सब शोकाकुल हैं, सब अपने बेटी के जाने का गम मना रहे हैं। जी धन्यवाद सागर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बड़े मर्डर को अंजाम दिया गया दिल्ली से, ये दिल दहला देने वाला मामला आपको बता रहे हैं। बता दें, साक्षी नाम की 16 साल की लड़की को साहिल नाम के लड़के ने, दरिंदे ने मौत के घाट उतार दिया। बता दें, रविवार की रात दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की साक्षी की उसी के ही बॉयफ्रेंड साहिल ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी, लेकिन किसी ने भी आरोपी साहिल को रोकने की हिम्मत नहीं की। आखिर इतना खौफ किस बात का था कि एक शख्स की मदद के लिए चीखती साक्षी को बचाने के लिए आगे कोई नहीं आया। रविवार की रात दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की साक्षी को साहिल ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने युवती पर 16 बार चाकू से वार किया और जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो सड़क पर पड़ा पत्थर उसके ऊपर मारा। लहूलुहान साक्षी सड़क पर पड़ी चिल्ला रही थी और आरोपी उसे लाते मार रहा था। हैरत की बात यह कि जिस समय आरोपी इस रूह कपा देने वाली घटना को अंजाम दे रहा था, उस समय आसपास कई लोग मौजूद थे, कई घर में थे। ये घटना किसी सुनसान इलाके में नहीं बल्कि चलती गली में हुई। और
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, दिल्ली में कल एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। 16 साल की मासूम को साहिल नाम के युवक ने मौत के घाट उतार दिया, जो सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल मयूरी, आप के जो जो ये घटना हुई है, इस घटना को दिखाया तो पूरी तरीके से एक शर्मनाक घटना हुई है, क्योंकि अगर दिल्ली की राजधानी में अगर इतना बड़ा कांड होता है तो कहीं ना कहीं अगर बात की है तो सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी कहीं ना कहीं चूक नजर आती सामने, क्योंकि जिस तरीके से साहिल ने साक्षी की हत्या की है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वार करने के बाद अगर जो फुटेज वीडियो वायरल हुआ है उसके अगल बगल देखिए कितने लोग बैठे हुए थे। अगर चाहते तो इस घटना को अंजाम देने से नहीं हो पाती, पर कहीं ना कहीं बात की जाए तो अगर आस पास लोग जो बैठे थे वो साक्षी पर अगर बात की जाए तो साहिल ने जिस अंदाज से साक्षी की हत्या की है वो कहीं ना कहीं अगर बात किया तो सोची समझी साजिश के तहत साहिल ने जो है पूरी तरीके से माइंड मेकअप कर रखा था कि मुझे साक्षी की हत्या करनी है। इसको लेकर के अगर बात की जाए तो ये बहुत शर्मनाक और निर्मम हत्या हुई है। उपेंद्र, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ साहिल ही साक्षी का हत्यारा है या वो लोग भी जो तमाशबीन बने खड़े थे और देख रहे थे इस पूरी घटना को? जी बिल्कुल, जैसा ही बताया मयूरी की जो आस पास के जो लोग खड़े थे उनसे उनके अंदर की इंसानियत जो है पूरी तरीके से मर चुकी थी। अगर चाहते तो वो लोग बचा सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर साक्षी पर एक दो बार भी हुआ तो साक्षी की जान बच जाती, पर अगर बात की जाए साहिल की और साक्षी की तो इनके जो मोबाइल के जो व्हाट्सएप चैटिंग है उसको लेकर जो दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से एक्टिव है, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो साहिल के साथ जो है उससे कई दोस्तों की गिरफ्तारी अगर की जाएगी, पूछताछ होगी उसमें, क्योंकि बात की जा रही तो नाबालिग और बालिग की जो बात की जा रही है वो पूरी तरीके से अभी किसी तरीके से आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, और जो है पुलिस जो है पूरी तरीके से साक्ष्य के आधार पर जो है वो वर्किंग करेगी। उपेंद्र, अभी क्या कुछ कहना है, क्या किसी परिजन का बयान सामने आया है साक्षी के परिजनों में से? ये अगर बात की जाए साक्षी के परिजन या साहिल के परिजन, अभी किसी तरीके से किसी के परिजन का कोई जो है कोई बयान नहीं आया हुआ है, पर अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था अभी कल ही बात है जो दिल्ली में यूपी भवन बना हुआ है उस पर भी एक महिला के साथ जो है सो विधायकों से बुलाने के बाद कमरा नंबर 112 में बुला करके उसके साथ भी रेप की घटना की जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से हर जहां जहां कमिश्नरेट लागू है वहां वहां एंटी रोमियो स्क्वाड पूरी तरीके से एक्टिव है, पर अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी चूक नजर आ रही सामने कि एंटी रोमियो होने के बावजूद भी अगर इसी तरीके से नाबालिग बच्चे अगर या बालिग बच्चे कुछ भी हो पूरी तरीके से अगर ये सुरक्षा व्यवस्था में अगर चूक हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अगर लड़का जिम्मेदार है तो उस तरीके से अगर लड़की भी जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया लोगों पर हावी हो रहा है इस पर जो है पूरी तरीके से जो गार्जियन है वो अभी तक इस पर होल्ड नहीं कर पा रहा है। उपेंद्र, ऐसी घटना है जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। दिल्ली में ये जघन्य अपराध की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी साहिल द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें 16 साल की मासूम को मौत के घाट उतारा गया है। बता दें कि दिल्ली में इस घटना को अंजाम दिया गया, वहीं आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद साहिल बुलंदशहर में अपनी बुआ के यहां गया हुआ था, और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता विशाल हमसे जुड़े हुए हैं जो साहिल के बुआ के घर पर मौजूद हैं इस समय। विशाल, आप बुआ के घर पर मौजूद हैं साहिल के, जहां पर हत्यारा साहिल कल गया था, क्या कुछ अपडेट? साक्षी 40 से ज्यादा बार किए थे और उसको एक जगह चाकू को गाने करके उसको अपनी बुआ के यहाँ आके छुप गया था। जब दिल्ली पुलिस ने कल गिरफ्तार किया गया और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं अंदर कहीं ना कहीं देखा जाता है
साक्षी थी, 40 से बार के थे और उसको चाकू दूसरी जगह छुपाकर और रात ही रात में दो बसों को बदलकर आगे छुप गया। विशाल, आपके आस पास कुछ लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप काफी लोग मौजूद हैं और मैं उनसे बात भी करूंगा। नितिन जी, जो साहिल साहब घर के लिए डिटेल करवाई निकलवाइए तो कुछ कुछ आ गए, ये आतंकवादी को बना दे रहे हैं, आज उसको दिया कल किसी और को देंगे, ये तो ऐसे करते रहेंगे, हौसला बढ़ रहा है, इन्हें भी तो उठाए पुलिस, इनसे पूछताछ करे। ये लोग थे जिन्होंने बताया कि पनाया देते हुए लोग आ रहे हैं, उनके भाई जो हुआ है वो ना तो यहाँ पान चलते हैं कुछ भी, और कहीं माध्यम से वो यहाँ को साहिल अपनी बुआ के यहाँ कैसे आप पहुँचा। विशाल, जब साहिल घटना को अंजाम देकर अपनी बुआ के यहाँ पहुँचा तो क्या किसी को पता था, किसी को जानकारी थी कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर आ रहा है। विशाल, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें, सन की द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। बता दें, ये जो भी हुआ लोगों की मानसिकता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां ये घटना हुई वहां कई घर थे, कई लोग गली से गुजर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, सभी घटना को देख चुपचाप वहां से निकल गए। घटना और लोगों का रिएक्शन दोनों ही मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि साहिल बेरहमी से साक्षी पर चाकू से वार कर रहा है, लात मार रहा है, पत्थर उस पर उठा कर मारा, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया। लोग चीख पुकार की आवाज सुनकर घरों से बाहर जरूर आए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सभी गली में खेल रहे अपने बच्चों को लेकर अंदर खींच ले गए और दरवाजे खिड़की बंद कर लिए। रविवार की रात करीब 8 बजे 20 साल के साहिल ने 16 साल की साक्षी को एक सकरी गली में सरेराह कम से कम 16 बार चाकू से वार कर उसकी हत्या की। गली रोशनी से जगमगा रही थी, कुछ लोग घरों के बाहर थे, कुछ गली से गुजर रहे थे, इन सब के बीच साहिल ने पत्थर से 3 बार साक्षी पर वार किया। इतना सब हो रहा था लेकिन लोग रुके नहीं, वे चलते रहे। हालांकि एक शख्स ने सब देख कुछ सेकेंड के लिए रुका भी, लेकिन फिर वह चुपचाप आगे बढ़ गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि साहिल पूरे 1 मिनट 27 सेकंड तक वहां रहा, लेकिन ना तो किसी ने उसे रोका और ना ही इस कांड के बाद उसे पकड़ने की कोशिश की। वहीं इस मामले में कुछ स्थानीय लोगों के बयान भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि शाबाद डेयरी के गुंडे शहर भर में मशहूर हैं, इसमें उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। लोगों का कहना है कि ये इलाका चोरी, गुंडागर्दी और नशा करने वालों के लिए कुख्यात है। लोग खुलेआम शराब पीते हैं और अगर कोई उनसे सवाल करता है तो गालियां देते हैं और गोलियां चला देते हैं, मारपीट करते हैं। स्थानीयों ने कहा कि ऐसे में इस घटना के दौरान बीच में बोलकर अपनी जान जोखिम में डालना चाहेंगे, यहां इस तरह के बहुत दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 16 साल की साक्षी के को साहिल ने चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, 1 मिनट 27 सेकंड का वीडियो है जिसमें साहिल बेरहमी से साक्षी पर चाकुओं से वार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगल बगल लोग नजर आ रहे हैं जो तमाशबीन बने खड़े इस पूरी घटना को देख रहे हैं। इसी को लेकर ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है, इस मासूम के मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ साहिल ही साक्षी का हत्यारा है, या वो लोग जो मौत का तमाशा देख रहे हैं खड़े होकर?
बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस आरोपी को दिल्ली लेकर गई है जिससे पूछताछ की जाएगी। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि साहिल और साक्षी के दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी। ये रूह को कपा देने वाली घटना दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां साहिल द्वारा बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। झेलती रही तब तक उसके शरीर में हरकत दिखती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह लाश बन चुकी थी। उस हैवान के सिर पर खून सवार था, वह दनादन चाकू घोपता रहा। वीडियो आपको विचलित कर सकता है, लेकिन देखिएगा जरूर, यह आज के जिंदा कौम की असली तस्वीर है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली पीढ़ी किसी दर्द को महसूस करना भूल चुकी है। वीडियो में दिखता है कि एक बार उस दरिंदे ने चाकू मारा तो लड़की का शरीर उछल गया। लड़की के सिर में भी उस दरिंदे ने शायद चाकू घोंपा था। लड़की दम तोड़ चुकी थी। दिल्ली में रोहड़ी के शाहबाद डेरी इलाके में हमले का शिकार हुई उस बदनसीब नाबालिग लड़की का नाम साक्षी था। हत्यारे ने 20 से ज्यादा बार चाकू से वार किए। इसके बाद भी उसका शैतानी दिमाग शांत नहीं हुआ तो बाद में उसने पत्थर से भी कुचल दिया। वो भी एक बार नहीं, 5 बार पत्थर उठाकर मारा। मंजर ऐसा था कि खौफ भी कांप जाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, दिल्ली में कल बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। 16 साल की मासूम को साहिल द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और ये घटना सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। मासूम बच्ची था, एक मामला वारदात सामने आ रही है। बाकी बहुत ही दुखद चीज है, ये कहीं ना कहीं एक महिला सम्मान को लेकर पीछे हो रहे हैं कुछ लोग। और जिस तरह भाजपा की सरकार के द्वारा जो है एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा छोड़ा गया था, वो देखने की बात है। इस समय महिला कहीं ना कहीं सुरक्षित देखने को नहीं मिल रही। इसी चीज से अगर हम जनता की राय लेंगे, जनता से कुछ लोग से बात करेंगे, उनका क्या इस पर कहना है, उसकी स्थिति अवस्था क्या है, सबसे पहले मुझे बताइए। इधर भी जो महिलाओं के साथ कांड हो रहे हैं, क्या लगता है इधर भी महिलाएं सुरक्षित चल रही कि नहीं चल रही है? सुरक्षित भी हैं और ऐसी दिक्कत नहीं है। और महिला देखिए देवता और द्वापर और सज्जुग में भी उन्होंने राम राज में भी हुआ है। सातम जो है राम राज्य में था और द्वापर में किस राज्य में भी था। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार है तो कोई कत्ल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगी। बहुत बड़ा देश है, इसमें कुछ घटनाएँ होती रहती हैं, लेकिन हाँ घटना हुई है, ये जांच का विषय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और सरकार इस पर विचार करे और इस पर विचार करके जिसका मासूम बच्ची का घटना हुई है, क्या इसमें कड़ी से कड़ी एक्शन ली जानी चाहिए? जी जी, आपका भी कहना सत्य है, मैंने सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए और कड़ी से कड़ी व्यवस्था करके और जो कांड किया है उसको जो है जानना चाहिए। हमारे बीच में और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले ये बताइए, आप तो एक महिला हैं, महिला होकर समाज में इधर उधर जा रही हैं और भाजपा द्वारा एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी छोड़ा गया था, लेकिन देखा जाए तो कल की डेट में 16 साल की बच्ची सर एक बेहद घटना हुई है, उस पर क्या राय है, क्या किस तरह बात बोलना चाहिए? तो अभी आजकल चल रहा है जो कागज पे चल रहा है, कागजी हालत जो है वो अब जमीन पे भी लिखना चाहिए। हमारे यूपी में हमें नहीं लगता कि इतना जंगल राज है अभी यूपी का, दिल्ली का हम नहीं बता सकते, लेकिन यूपी में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दूर जगह जाते हैं, तो हम रात में भी सफर करते हैं, उतना सेफ नहीं होता है, लेकिन हमको ध्यान देना पड़ता है। तो हमारी सुरक्षा हमें अपने ऊपर भी डिपेंड करती है कि हमें अपनी चीज़ों को ध्यान रखते हुए सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन सरकार को भी ठोस कदम इस पर उठाना चाहिए। क्योंकि कागजों पर जो लिखता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान चल रहा है, अभी सुकन्या योजना आ रही है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी आ रही हैं लड़कियों को बचाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए,
लेकिन उसको जमीनी असर पे भी दिखना चाहिए। आपकी सुल्तानपुर में हकीकत अगर देखा जाए आसपास पिंक बूथ नहीं बना, लेकिन महिला डेस्क बना हुआ है। बाकी लखनऊ, दिल्ली या और भी कोई जिला है वहाँ पिंक बूथ बनाए गए हैं महिला सुरक्षित को लेकर, उस पर क्या कहना है आपको? पिंक रोड बसें भी चल रही हैं, पिंक अभी जो चुनाव हो रहा था उसके लिए पिंक बूथ भी बनाए गए थे। ये सब सही है, सरकार के सही कदम है, लेकिन हमें लग रहा है कि थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए सरकार को, ये चीजें थोड़ा सा और सुधार सकते हैं। एक 16 साल की बच्ची दिल्ली में जो कांड हो गया है उसमें क्या सोच करते हैं, क्या आपकी राय है? ठीक है, बहुत निंदनीय घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे से आशुतोष एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आरोपी साहिल के जब गिरफ्तारी हुई तो उसके हाथ में कलावा नजर आया, और जो साहिल है वो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता है, तो ये कलावा भी तमाम सवाल खड़े कर रहा है। ये कलावा एक महिला के लिए सुरक्षित के लिए चीज होता है, बहुत ही सही चीज माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं इतने सुरक्षित अब देख बहुत कम मिल रहा है। यूपी की बात करते हैं, यूपी का आपका सुल्तानपुर है, लखनऊ है, ये जगह पे घटना महिला को लेकर बहुत कम होता है, लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में तमाम ऐसी जगह है वहाँ पर महिलाएं जाने से डरते हैं, या चाहे वो छात्र को ना हो, छात्र भी जो है पढ़ाई के लिए अगर बाहर निकलता है वो भी उसके अंदर भी मन का डर बना रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह भाजपा द्वारा जो है एक तो महिला को सुरक्षित को लेकर बात की गई थी, कहीं ना कहीं अगर जिस तरह घटना होगी इसको कठोर से कठोर कदम उठाकर जो है संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए इसको लेकर। जी धन्यवाद आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। ये बड़ी घटना को दिल्ली में कल अंजाम दिया गया, जहां 16 साल की मासूम पर चाकुओं से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं ये घटना सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। वहीं जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो कई लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे, जो अब सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार सिर्फ साहिल ही है या वो लोग भी हैं जो तमाशबीन बनकर इस पूरी घटना को देखते रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।